दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनूप ऑनलाइन पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ्स का एक्सरसाइज 4.5 करने वाले हैं। हम लोग पिछली वीडियो में भी एक्सरसाइज 4.5 के कुछ क्वेश्चन देखे थे और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5th, 6th, 7th, 8th ये क्वेश्चन हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। दोस्तों करना क्या है हमको, हमको इनवर्स फाइंड करना है इसका भी और इसका भी। क्वेश्चन नंबर 5th ये है और क्वेश्चन नंबर 6 ये है। हमको जो है इनवर्स फाइंड करना है इसका, इफ एग्जिस्ट, यदि एग्जिस्ट करता है तब हमको इसका इनवर्स निकालना है। ठीक, तो कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का इनवर्स, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो मैट्रिक्स ए है, मान लीजिए इसका जो इनवर्स होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में होता है मॉड ऑफ ए। ठीक, ये फॉर्मूला होता है किसी मैट्रिक्स के इनवर्स निकालने का। अब देखिए क्या बोला है, इफ एग्जिस्ट, तो हम कैसे पता करेंगे कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। देखिए ये जो मॉड ऑफ ए है ना, अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक, अब देखिए इसे मॉड ऑफ ए हम निकालेंगे, या फिर आप मान लीजिए डिटरमिनेंट ए का, यदि हम ए इसको मान लीजिए हमारा ये ए दिया, ठीक है, यदि इसको हम डिटरमिनेंट में लेके उसको सॉल्व करते हैं तो अगर उसकी वैल्यू जीरो नहीं आती है, ठीक है, जीरो को छोड़ के कुछ भी आ सकता है, अगर कुछ भी आता है तो मैट्रिक्स का इनवर्स होगा, और अगर जीरो आ गया तो मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होगा। अब देखिए ऐसा क्यों है, देखिए जब ए इनवर्स हम निकालेंगे, हमारे पास मान लीजिए एडजॉइंट ए कुछ भी आ गया, ठीक है, एडजॉइंट ए कुछ भी आ सकता है, ठीक, और यदि मॉड ऑफ ए जीरो, यानी कि डिटरमिनेंट जो ए का है अगर वो जीरो आएगा तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। इसीलिए बोला है कि अगर ए का वैल्यू जो है जीरो के इक्वल नहीं है तब उस मैट्रिक्स का इनवर्स हम निकाल सकते हैं, तब उस मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। तो ये दो बात आपको याद रखना है, बाकी क्वेश्चन तो बहुत आसानी से बनेंगे। देखिए हमको क्या करना है, तो पहले हम क्या करते हैं, हमको मॉड का यूज इसमें चाहिए, ए के डिटरमिनेंट का यूज हमको है इनवर्स में, तो पहले हम इसी को निकालते हैं, पहले इसको निकालेंगे तो पता भी चल जाएगा कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, फिर हम एडजॉइंट निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे, बोलेंगे एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्यों निकालें। ठीक, देखिए हम निकालते हैं पहले ए का डिटरमिनेंट, ठीक, तो ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे 2 - 2 = 4, 3। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करना है आपको पता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस में इन दोनों का, देखिए 2 × 3 - 4 × - 2। ठीक, देखिए ये हो गया 6 - ये हो गया प्लस, माइनस में प्लस हो जाएगा और ये 4 + 8 तो कितना हो जाएगा 14। तो आपका जो मॉड ए आ गया, या फिर डिटरमिनेंट ए जो आ गया वो कितना आ गया 14। देखिए जो डिटरमिनेंट है ए का वो जीरो के इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का जो है इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक, अब हमारे पास ये देखिए ये आ गया मॉड ए, ये डिटरमिनेंट ए, इसको मान लीजिए मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक, अब वो क्या चाहिए, अब हमको निकालना है एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं पता होगा, ये एलिमेंट है a11, a12, a21 और a22। ठीक है, ये एलिमेंट होते हैं, तो जो a11 का जो पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं तभी उसका हम एडजॉइंट निकाल सकते हैं। तो देखिए a11 का कोफैक्टर क्या होता है, स्मॉल a11 का, स्मॉल a11 ये एलिमेंट होता है, देखिए ये होता है a11, ये होता है a12, ये होता है a21 और ये होता है a22। ठीक, ये तो पता होगा आपको, जो a11 का कोफैक्टर होता है वो होता है कैपिटल a11। ये कैसे निकालते हैं, -1 की पावर 1 है और 1 है ना, तो 1 + 1 हुआ, ये जो दोनों है, 2 है ना यहाँ पर 1 और 1, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ठीक, इनटू, अब देखिए इसका निकालना है, इस 2 का निकालना है हमको, है ना, तो देखिए ये जो 2 है ना
ये जिसकी लाइन में आता है उस लाइन को काट देते हैं, जिस भी लाइन में आएगा उस लाइन को काट देते हैं। तो ये टू है, ये इस लाइन में आता है तो इसको काट दिए, और इस लाइन में भी आता है तो इसको भी काट देंगे, और अब किसी लाइन में नहीं आता तो बचा हमारे पास थ्री, तो इन टू हो गया थ्री। ठीक, तो हमारे पास क्या हो गया, माइनस वन की पावर टू इन टू थ्री, तो माइनस वन की पावर टू मतलब प्लस वन इन टू थ्री, तो हो गया थ्री। अब हम निकाल लेते हैं ए वन टू का, सभी एलिमेंट निकालते हैं, ध्यान रखना ना। अब देखिए माइनस वन की पावर हो जाएगा वन प्लस टू इन टू, देखिए अब इसका निकालना है हमको माइनस टू का, तो देखिए ये जिस लाइन में आता है उस लाइन को काट दीजिए, इस देखिए इसको गोला मारिए, इसमें इस लाइन में आता है इसको काट दीजिए, और इस लाइन में आता है इसको भी काट दीजिए, बचा क्या हमारे पास फोर इन टू हो गया फोर, तो इसको टू माइनस वन की पावर हो गया थ्री इन टू फोर, तो हो गया हमारे पास माइनस फोर, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा और फोर है तो माइनस फोर। अब निकालेंगे ए टू वन का, तो माइनस वन की पावर टू वन है तो टू प्लस वन इन टू, अब देखिए इसका निकालना है तो इसमें गोला मारिए, जिस लाइन में आता है उस लाइन को काट दीजिए, कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास माइनस टू, माइनस टू। तो देखिए माइनस वन की पावर हो जाएगा थ्री इन टू माइनस टू, तो क्या आएगा हमारे पास टू आ जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब निकालना है हमको ए टू टू, तो माइनस वन की पावर टू प्लस टू हो जाएगा इन टू, इसका निकालना है तो इसमें गोला मार लीजिए, और जिस लाइन में आता है उस लाइन को काट दीजिए, बचा के हमारे पास टू बचा, तो टू तो जाएगा माइनस वन की पावर फोर इंटू टू, तो माइनस वन की पावर फोर कितना होता है प्लस वन इंटू टू, तो हो गया हमारे पास टू। ठीक, हमारे सारे एलिमेंट के कोफैक्टर निकल गए हैं। अब देखिए हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एडजॉइंट ए। जो एडजॉइंट ए क्या होता है, देखिए पहले हम किस फॉर्म में लिखते हैं इसको, ए वन वन थ्री था, ए वन टू ये है ना, ए वन टू की जगह यहाँ पर माइनस फोर लिखते हैं, ए टू वन लिए पहले टू लिखते हैं, फिर ए टू टू जगह टू लिखते हैं, ऐसे आता। लेकिन अभी करना क्या है हमको, इसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल के लिखते हैं, यानी कि जो रो था उसको कॉलम बना देते हैं, जो कॉलम था उसको रो, थ्री है तो यहाँ पर थ्री आएगा, माइनस फोर यहाँ पर नीचे आएगा, फिर ये टू यहाँ पर आएगा और ये टू यहाँ पर नीचे आएगा, ऐसे। तो हमारा निकल गया है एडजॉइंट ए। ठीक, अब देखिए हम करना क्या है, हमको निकालना है इनवर्स। तो हम जानते हैं कि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में होता है ए का डिटरमिनेंट। ठीक, तो जो ए इनवर्स हो गया हमारे पास, एडजॉइंट ए क्या है हमारे पास, एडजॉइंट ए क्या है हमारे पास, थ्री टू माइनस फोर टू, और मॉड ऑफ ए कितना है हमारे पास, मॉड ऑफ ए हमारे पास क्या है, यानी कि ए का डिटरमिनेंट क्या है 14, ये हो गया 14। तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसको, ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन 14, ये हो गया 3 माइनस 4 2 2, तो ये हो गया हमारा ए इनवर्स इस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो आप इस प्रकार किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए इसका भी 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी, इसका भी सेम मेथड। पहले आप मॉड निकालेंगे इसका, अगर यहाँ पर जीरो आ गया तो खेल यहीं खत्म। हम लिख देंगे कि जो हमारा ए का डिटरमिनेंट है या फिर ए का जो मॉड है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल, इसलिए जो इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन अगर जीरो नहीं आया, ठीक है, अगर जीरो नहीं आया तो हम सभी के कोफैक्टर निकाल के एडजॉइंट ए निकाल लेंगे, एडजॉइंट ए और अपॉन में कर देंगे मॉड ए या फिर डिटरमिनेंट ए, तुम्हारा निकल जाएगा ए इनवर्स। तो इसको आप लोग बनाएंगे। ठीक, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवंथ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवंथ दिया है, हम मान लिए हैं कि वो ए है, ठीक है, मैट्रिक्स को मान लिए हैं कि ए दिया है, हमको दिया है 1 0 0 2 2 0 3 4 5, ये क्या है 3x3 का मैट्रिक्स है, इसका हमको निकालना है इनवर्स इफ एग्जिस्ट, यदि एग्जिस्ट करता है तभी इसका हमको निकालना है इनवर्स। ठीक है, ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, इसके बाद एट्थ नाइन्थ टेंथ और इलेवंथ सेम क्वेश्चन सेम मेथड, ठीक है, उसमें अप्लाई होगा। देखिए हम क्वेश्चन नंबर सेवंथ बनाते हैं, अगर आप सेवंथ से सीख लिए तो ये बाकी अपने आप आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमको निकालना है ए का इनवर्स,
इफ एग्जिस्ट, तो हम जानते क्या है कि ए का जो इनवर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में होता है मॉड ऑफ ए। ठीक, इफ ए मॉड नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, देखें यदि ए मॉड या फिर ए का डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आता तभी इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ए मॉड, अगर इसका हम मॉड निकालें या फिर इसका डिटरमिनेंट निकालें तो अगर वो जीरो आ जाता है तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, इसीलिए हम पहले क्या करते हैं, पहले ए मॉड निकालेंगे यानी कि पहले ए का डिटरमिनेंट बना के सॉल्व करेंगे उसको, उसके बाद हम एडजॉइंट निकालेंगे। क्योंकि अगर हमारे ए का मॉड या ए का डिटरमिनेंट पहले जीरो आ गया तो हम लिख देंगे कि ए का डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल है, इसलिए इस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। ठीक, तो पहले निकाल लेते हैं हम क्या, ए का डिटरमिनेंट। ठीक, देखिए 1, 2, 3, 0, 2, 4, 0, 0, 5। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो तो आपको पता होगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 है, 1 को लिए इनटू 1 के सीधा लाइन काट देते हैं, इसको भी और इसको भी, तो बचेगा हमारे पास इतना, तो 2, 5 जा और ये 0, 4 जा, तो 2, 5 जा हो गया 10 माइनस 0, 4 जा 0। 2 वाले को मतलब बीच वाले को माइनस लेते हैं तो माइनस 2 हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें गोला मारे, इसके सीधा वाला लाइन काट देते हैं, तो इसके सीधा ये है तो ये लाइन कट जाएगा और ये वाला लाइन भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 0, 4, 0, 5, तो 0, 5 जा 0 माइनस 0, 4 जा 0, 3 है तो यहाँ पर हो गया +3। ठीक, इसमें गोला मारे, इसके सीधा वाला लाइन इसको भी काट दिए और इसको भी काट दिए, तो क्या बचा 0 × 0, 0 × 2, तो 0 × 0 क्या होगा 0 होगा, माइनस 0 × 2 क्या होगा 0 ही होगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये हो गया हमारे पास 1 × 10 माइनस 2 × 0, तो 0 ही हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 10, यानी कि हमारे पास ए का डिटरमिनेंट आ गया 10। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए का जो डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू है 0 के। ठीक है, इसलिए इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जा सकता है। अब देखिए इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एडजॉइंट ए। ठीक है, क्योंकि एडजॉइंट ए पहले हमको चाहिए, फिर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, एडजॉइंट ए और ए के डिटरमिनेंट को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, ए इनवर्स। ठीक, तो निकाल लेते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए के लिए हमको चाहिए कोफैक्टर सभी एलिमेंट के। ठीक है, तो एलिमेंट होता है a11, इसका कोफैक्टर क्या होगा -1 की पावर 1, 1 है तो 1+1 हो गया इनटू, देखिए इसका कोफैक्टर निकालना है तो इसके सीधा और लाइन काट दीजिए इसको भी और इसको भी, तो क्या बचा हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा हमारे पास 2 × 5 तो हो गया 10 माइनस 0 × 4 तो हो गया 0, तो हमारे पास क्या आ गया -1 की पावर 2 × 10, तो क्या आया 10। अब निकालेंगे a12 यानी कि इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो इसके सीधा वाला लाइन ये वाला काट दीजिए और इसके सीधा ये वाला काट दीजिए, तो क्या आएगा हमारे पास -1 की पावर 3 1+2 3 होगा इनटू, अब देखिए इसके सीधा वाला ये वाला काट दिए और ये भी काट दिए, तो 0 × 5 और 0 × 4 0 ही आएगा, तो हमारे पास क्या 0। अब निकालेंगे a13 यानी कि इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो इसके सीधा इसको भी काट दिए और इसके सीधा इसको काट दिए, तो क्या बचा हमारे पास 0 × 0 - 0 × 2, तो 0 × 0 0 ही होगा और 0 × 2 भी 0 ही होगा, तो -1 की पावर हो गया हमारे पास 1+3 तो हो गया 4 × 0 ही आएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब निकालेंगे a21 यानी कि -1 की पावर 2+1 तो कितना हो गया हमारे पास 3। ठीक, इसका निकालना है तो इसके सीधा लाइन काट दीजिए, इसको काट दिए और इसको भी काट दिए, तो क्या बचा हमारे पास 2 × 5 - 0 × 3 तो 2, 5 जो हो गया 10 - 0 × 3
जीरो ही आएगा, तो हो गया हमारे पास क्या माइनस में टेन। अब निकालना है ए टू टू, तो माइनस वन की पावर हो गया फोर, टू प्लस टू फोर इन टू, देखिए इसका निकालना है तो इसके सीधा ही लाइन काट दीजिए और इसके सीधा ही लाइन काट दीजिए, तो क्या बचा हमारे पास वन इंटू फाइव, तो हो गया फाइव माइनस जीरो इंटू थ्री, तो हो गया जीरो, तो हमारे पास क्या हो गया प्लस में फाइव। अब निकालना है हमको ए टू थ्री, तो माइनस वन की पावर टू प्लस थ्री, तो हो गया फाइव इंटू, इसका निकालना है तो इसके सीधा ही लाइन काट दीजिए और ये वाला लाइन भी काट दीजिए, तो क्या बचा हमारे पास वन इंटू जीरो, तो जीरो ही होगा, माइनस जीरो इंटू टू जीरो ही होगा, तो हो गया जीरो, तो हो गया माइनस सॉरी जीरो ही होगा, जीरो का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो जीरो ही आता है। अब निकालना हमको ए थ्री वन, यानी कि माइनस वन की पावर थ्री प्लस वन, तो हो गया फोर इंटू, इसका निकालना है तो इसके सीधा ये लाइन काट दीजिए और इसके सीधा ये लाइन काट दीजिए, तो क्या बचा हमारे पास टू फोर जा एट माइनस टू थ्री जा सिक्स, तो क्या हो गया हमारे पास प्लस में टू। एट थ्री टू निकालना है तो माइनस वन की पावर थ्री प्लस टू, तो हो गया फाइव इंटू, इसका निकालना है तो इसके सीधा यह लाइन काट दीजिए और इसके सीधा यह लाइन भी काट दीजिए, तो क्या बचा हमारे पास वन इंटू फोर माइनस जीरो इंटू थ्री, तो वन इंटू फोर तो हो गया फोर माइनस जीरो इंटू थ्री, तो हो गया जीरो, तो क्या होगा हमारे पास माइनस में फोर। अब हमको निकालना है ए थ्री थ्री, तो माइनस वन की पावर हो गया थ्री प्लस थ्री, तो हो गया सिक्स इंटू, इसका निकालना है हमको तो इसके सीधा इसको भी काट दीजिए और इसके सीधा इसको भी काट दीजिए, क्या हो जाएगा हमारे पास वन इंटू टू, तो हो गया टू माइनस जीरो इंटू टू, तो हो गया जीरो। ठीक, क्या होगा हमारे पास प्लस में टू। ठीक, तो हमारा एडजॉइंट क्या निकला, हमारे पास निकल गया है इट जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, आपको तो पता होगा कि एडजॉइंट जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, रो को कॉलम ले लेते हैं और कॉलम को रो ले लेते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि हम उसका ट्रांसपोज निकाल दिए। ठीक है, ए वन वन टेन है, ए वन टू कहाँ आना चाहिए था, यहां आना चाहिए था, लेकिन हम क्या बोले हैं कि हम रो को कॉलम बना दिए हैं और कॉलम को रो, जो ए वन टू है यहाँ का आएगा जीरो आएगा नीचे आएगा, ए वन थ्री यहाँ आएगा, फिर ए टू वन, यानी कि हम जो ए टू वन ये है, ठीक है, लेकिन हम क्या बोले हैं, हम रो को कॉलम बना दिए, तो सेकेंड रो क्या हो जाएगा, सेकेंड कॉलम बन जाएगा, तो ए टू वन हो जाएगा माइनस में टेन, ए टू टू क्या हो जाएगा हमारे पास फाइव, ए टू थ्री हमारे पास क्या हो जाएगा जीरो, ए थ्री वन हमारे पास क्या हो गया टू, ए थ्री टू क्या हो गया माइनस फोर, और ए थ्री थ्री क्या हो गया हमारे पास टू, हमारे पास निकल गया है एडजॉइंट ए। ठीक, हमको क्या चाहिए, ए का इनवर्स चाहिए, तो ए का इनवर्स हम जानते हैं क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ऑफ ए, तो एडजॉइंट ए ये है अपॉन में क्या आएगा, देखिए टेन माइनस टेन टू जीरो 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 फाइव माइनस फोर टू, अपॉन में क्या आएगा टेन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डिटरमिनेंट ए है वो क्या आया है टेन आया है, देखिए ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन टेन, हो गया टेन माइनस टेन टू जीरो जीरो फाइव जीरो माइनस फोर टू। ठीक है, तो ए इनवर्स ऐसा आएगा, आप चाहे तो टेन को अंदर भेज के जो कट रहा है उसको काट दीजिए और वैसे ही लिखा रहने दीजिए। ठीक, तो इस प्रकार आप किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं अगर वो थ्री बाई थ्री मैट्रिक्स है, तो थ्री बाई थ्री का सभी मैट्रिक्स का इनवर्स जो है सेम मेथड से बनेगा। तो आप क्वेश्चन नंबर एट्थ नाइन्थ टेंथ और इलेवेंथ आप बनाएंगे और हो सके तो आंसर कमेंट कर सकते हैं और नहीं तो ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर एट्थ नाइन्थ टेंथ और इलेवेंथ आप लोग बनाएंगे, है ना, सेम इसी प्रकार मेथड है, आप पहले डिटरमिनेंट निकाल लेंगे उसका, डिटरमिनेंट अगर जीरो आ जाता है तो बोल देंगे मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं कर सकता, लेकिन अगर जीरो नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, इनका कोफैक्टर्स निकालेंगे, फिर एडजॉइंट निकल जाएगा, फिर आप फॉर्मूले में रख देंगे तो आपका निकल जाएगा ए इन्वर्स। ठीक है, आपका निकल जाएगा
ए इनवर्स निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो अब अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।